हेलो स्टूडेंट्स, हेलो हाँ जी, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। टुडे वी आर स्टार्टिंग, वी आर गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट सेशन फॉर द एचपीपीएससी ए इलेक्ट्रिकल 76 पोस्ट एग्जाम्स प्रिपरेशन टेस्ट प्रीवियस ईयर टेस्ट डिस्कशन। ओके, जितने लोग भी अभी लाइव हैं वो इस चीज को क्वेश्चन जो भी ये सीक्वेंस चल रहा है टेस्ट सीरीज का इसको शेयर कर दें आज का लाइव वीडियो, और कमेंट सेक्शन बॉक्स में अपनी कमेंट्स मुझे लिखते रहें ताकि ताकि मैं आपके सेम टाइम पे जो भी प्रॉब्लम्स है आपकी मैं सॉर्ट आउट कर सकूं। इट इज जस्ट ए इंट्रैक्शन क्लास, तो क्वेश्चन मैं इसलिए लेके आया हूँ कि दोनों बेनिफिट हो जाएंगे, आप लोगों को डाउट्स के सोल्यूशन भी मिल जाएंगे और साथ साथ आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे भी मिलने वाले हैं जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे इस एचपीपीएससी ए इलेक्ट्रिकल एग्जाम्स में। ठीक है भाई, तो डियर स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट जॉब्स लेना एक ड्रीम है सबके लिए, उसको रियलिटी में कन्वर्ट करना उसके लिए हमें हार्ड वर्क करना होगा। ठीक है जी, द फर्स्ट थिंग फॉर द हार्ड वर्क इज लेट अस डू अ वर्कआउट ऑन द प्रीवियस ईयर डिस्कशन। ठीक है जी, ये हमारी फर्स्ट स्टेप है। प्रीवियस ईयर डिस्कशन करके हम टेस्ट की डिस्कशन करके, हाँ जी गुड आफ्टरनून, जी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून, हम एक देख सकते हैं कि लेवल ऑफ एग्जाम कैसा आने वाला है। लेवल ऑफ एग्जाम कि क्या एग्जाम का लेवल थ्योरेटिकल रहने वाला है, क्या एग्जाम का लेवल मॉडरेट लेवल लेवल रहने वाला है, मॉडरेट लेवल थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल मिक्स, एंड द थर्ड वन इज कि क्या सारे ही न्यूमेरिकल आएंगे। सो वो चीज़ें हमें एक डाउट जो होता है कि लास्ट तक बना रहता है, कि कई बच्चे प्रीवियस ईयर देखते नहीं है, उनको कन्फ्यूजन बना रहता है, वो ये सोचते रहते हैं ड्यूरिंग प्रिपरेशन कि थ्योरी करूँ या न्यूमेरिकल करूँ, न्यूमेरिकल करूं या फिर थ्योरी करूं, ये बात डिलीमा बना रहता है और वो एक प्रिपरेशन के 50-60% लेवल तक भी नहीं पहुंच पाते। और मुझे लगता है कि अगर वो लेवल आपने अचीव कर लिया 40-50% लेवल ऑफ प्रिपरेशन, तो यू कैन क्रैक द एग्जाम्स। क्रिस्टल क्लियर टॉपिक होने चाहिए, जो टॉपिक आपको बताओ कि क्या उसमें से थ्योरी आएगा, क्या उसमें से न्यूमेरिकल आएगा, ये सब बात। ठीक है जी, तो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन बातें चलती रहेंगी, हमारी डिस्कशन चलती रहेगी। पहला क्वेश्चन ले लेते हैं जब तक और लोग लाइव आए, तो आरएमएस वैल्यू के बारे में आज मैं डिस्कस करूंगा। कल बताया था मैंने आपको आरएमएस वैल्यू की फुल फॉर्म क्या होती है, हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट पे बेसिकली बेस्ड होता है। सो मैं बता दूं अभी, आरएमएस वैल्यू की फुल फॉर्म रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होती है। क्या होती है? रूट मीन्स, तो नोट करते रहेंगे स्टूडेंट्स, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। डियर स्टूडेंट्स, जनरली आरएमएस वैल्यू का जो प्रिंसिपल होता है वो काम करने का, वो होता है हीटिंग इफेक्ट। क्या होता है भाई? हीटिंग इफेक्ट। अगर आप लोग चाहेंगे कि मैं और भी क्वेश्चन आपको कराऊं, ठीक है, तो कोशिश करें कमेंट सेक्शन में आकर, जब भी आप ऑफलाइन वीडियो देख रहे हो, चलो कोई बात नहीं, अगर आप लाइव नहीं आ पाए तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं किस तरह से कि आपको ये बेनिफिट कितना मिल रहा है इस वीडियो से, प्लस दूसरी चीजें आपको रिक्वायरमेंट एक्चुअल में किस किन चीज़ों की है इस एग्जामिनेशन को प्रिपरेशन करने के लिए, कि क्या आपको टेक्निकल किस इस पर्टिकुलर एरिया में दिक्कत है, या फिर आपको जीएस एरिया में दिक्कत है, जीएस में क्या मुझे करना चाहिए, वो सब बातों के आप क्वेश्चन जो सब आपके माइंड में डाउट्स हैं, वो सब बातें जो डाउट्स हैं आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में मुझे जरूर लिख के बताएं, सो दैट आई कैन हेल्प यू इन एवरी एस्पेक्ट मैनर। ओके, हर एस्पेक्ट में मैं आपकी हेल्प कर पाऊं, ठीक है जी, अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊं। ठीक है जी, तो इसके लिए एक इंटरेक्शन, टू वे इंटरेक्शन प्रोसेस होना बहुत जरूरी है। मैं अपने एंड से बहुत चीजें बताऊंगा, कोशिश मेरी रहती है, ये मेरे जो एफर्ट है, ये मेरे सेल्फ मोटिवेशन मेरे जो है कि आप लोगों की सिलेक्शन करवानी करवानी है। ठीक है, एचपीएससी का एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी दिया है। और डी स्टूडेंट्स, एक और भी बात है, अगर ये एग्जाम कुछ स्टूडेंट्स के लिए अच्छा नहीं रहता है इन केस, तो आपके और भी जो इसके अलावा एग्जाम जो हिमाचल में होने हैं, तो आपको उनका बेनिफिट मिल सकता है। ठीक है, क्योंकि किया हुआ, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो भी आप करते हैं वो कभी खराब नहीं जाता, तो मेहनत की होनी चाहिए बस, वो खराब नहीं जाएगा आपके लिए। ठीक है, वो काम जरूर आएगा आपको। तो आरएमएस वैल्यू की फुल फॉर्म बता दी, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ये स्टूडेंट्स यहाँ एक नोट कर लें आप, ये आरएमएस वैल्यू आप जनरली अल्टरनेटिंग वेव्स के केस में कैलकुलेट करते हैं, एसी के केस में कैलकुलेट करते हैं। अगर डीसी की बात करूं मैं, डीसी जो भी डीसी वैल्यू होती है उसका आप आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट नहीं करते। डीसी में वट एवर द वैल्यू ऑफ डीसी इज गिवन, द सेम वैल्यू इज आरएमएस एंड सेम वैल्यू इज एवरेज।
सो दिस इज वन काइंड ऑफ नोट. आप इस नोट को अगर अच्छे से समझ गए तो आपका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर हो गया कि डीसी के केस में आपकी जो डीसी वैल्यू होगी वही उसकी आरएमएस वैल्यू होगी और वो सेम उसकी एवरेज वैल्यू होगी. दिस इज वन काइंड ऑफ नोट फॉर द टुडे क्लास. ठीक है जी, समझ में आया? ओके मतलब अगर मैं कहता हूं आपको एक डीसी वैल्यू दे रखी है 28 वोल्ट, सो व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू फ्रॉम यू कैन गेट फ्रॉम दिस 80 वोल्ट 28 वोल्ट, द आरएमएस वैल्यू इज सेम, एवरेज वैल्यू इज सेम, व्हाट इज द डीसी वैल्यू, एवरीथिंग इज द सेम इन केस ऑफ डीसी वैल्यू. सो डियर स्टूडेंट समझ में आया? ओके जनरली आरएमएस वैल्यू अल्टरनेटिंग नेचर के केस में जब आरएमएस वैल्यू हम निकालते हैं तो इसका एक फॉर्मूला होता है. जो भी आपको सिग्नल दे रखा है उसका एरिया अंडर द कर्व निकाल लीजिए. ठीक है जी, एरिया अंडर द कर्व निकाल लीजिए. एक टाइम पीरियड में एरिया अंडर द कर्व निकाल लीजिए और उसको उसका स्क्वायर कर दीजिए. क्या कर दीजिए? सिग्नल का स्क्वायर कर दीजिए. ठीक है जी, अगर आप सिग्नल का स्क्वायर कर देंगे तो ये बन जाएगा स्क्वायर. तो ये हो गया स्क्वायर. मीन कैसे करोगे? उसका एरिया अंडर द कर्व को डिवाइड कर दो 2π से. 2π इज द टाइम पीरियड. तो आपने उसका मीन भी निकाल लिया. एरिया अंडर द कर्व मतलब सम वैल्यू डिवाइड बाय द टाइम पीरियड. आपका मीन भी निकाल लिया और उसका रूट कर दो. क्या कर दो? रूट. इस मेथड से मान लिया आप इस सिग्नल का आरएमएस वैल्यू निकाल रहे हैं, इसको प्लस वीएम और इसको माइनस वीएम हम कहते हैं और टाइम पीरियड इसका पाई और ये 2π. डियर स्टूडेंट्स है, सो यहां पर इस सिग्नल की जो वैल्यू आएगी आरएमएस वैल्यू सोल्व करके आएगी. सिग्नल को मैथमेटिकली हम क्या बोलते हैं? वीएम साइन ऑफ ओमेगा टी. और जो इसका आरएमएस वैल्यू आएगा डियर स्टूडेंट्स वो होगा वीएम. ये जो पीक वैल्यू आपको गिवन होती है, ये जो पीक वैल्यू आपको गिवन होती है, इस पीक वैल्यू को डिवाइड करना होता है डिवाइड बाई रूट टू, डिवाइड बाई रूट टू. ये इस फॉर्मूले में आप पुट करेंगे यू विल गेट द आंसर. ओके तो डिस्कशन चलती रहेगी. बता ही दिया आपको मैंने एक सिंगल केस के, सिंगल के केस में, सिंगल वैल्यू के केस में जब डीसी वैल्यू गिवन होगी तो आरएमएस वैल्यू, डीसी वैल्यू, एवरेज वैल्यू सेम होंगे. तो यहाँ पर आरएमएस वैल्यू के काम करने का जो प्रिंसिपल है वो है हीटिंग अफेक्ट. नोट करें हीटिंग अफेक्ट. एंड वन मोर स्टूडेंट्स, अगर यही क्वेश्चन यहाँ पर आरएमएस की जगह लिखा होता AVERAGE, एवरेज लिखा होता, क्या लिखा होता भाई? एवरेज वैल्यू. सो डियर स्टूडेंट्स अगर यहाँ पर एवरेज लिखा होता तो फिर क्या करते आप? तो आप देखते इस क्वेश्चन का जो ऑप्शंस होते हैं वो यही गिवन होते और उस केस में आंसर बन जाता बी. तो डियर स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन था, मैंने दो बना के दिखा दिए, कई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने आपको इस यहां पर बता दिए कि अगर यहां पर आरएमएस वैल्यू है तो आंसर कराना आरएमएस वैल्यू इज टेल्स अस हीटिंग अफेक्ट ऑफ द वेव फॉर्म्स एंड आरएमएस सॉरी एवरेज वैल्यू टेल्स अस द हाउ मच द चार्ज ट्रांसफर इन द सर्किट. चार्ज ट्रांसफर इज बेस्ड ऑन द एवरेज वैल्यू. सो दिस इज अगेन वन मार्क्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन. दिस कैन बी एक्सपेक्टेड इन कमिंग एग्जाम. एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू से. नाउ देखिए कितना जबरदस्त तरीके से सारे क्वेश्चन उसी एरिया में एसी फंडामेंटल से पूछे हुए हैं. फिर आगे चलकर एक क्वेश्चन है फॉर्म फैक्टर के ऊपर. सो डियर स्टूडेंट्स जैसे फॉर्म फैक्टर और इसने एक और पूछा है पीक फैक्टर. फॉर्म फैक्टर और पीक फैक्टर दो तरह के फैक्टर हम कैलकुलेट करते हैं एसी फंडामेंटल में. एसी फंडामेंटल में डियर स्टूडेंट्स अगर आपको अगर फर्दर एग्जाम्स की और प्रिपरेशन करनी है, ठीक है, तो जैसे कि मैं आपको बता दूं इससे पहले कि मैं क्वेश्चन करूं, तो जैसे कि आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स को बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत दिक्कत होती है, तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में डायोड कैसे काम करती है, बीजेटी कैसे काम करते हैं, फीटी कैसे काम करते हैं, इनके आपस में डिफरेंस क्या है, ये सारी क्लासें यूट्यूब पे एडोस्फियर के चैनल पे जाके आप सर्च कर सकते हैं. अभी मैंने लेटेस्ट एक बैच फिनिश किया है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का. अगेन आई एम रिकमेंडिंग टू यू कि आल ये किस किस एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, PSPCL, जो HPPSC, HSSC, जो डिफरेंट एग्जाम हो रहे हैं आपके इस ईयर में होने वाले हैं, उन सब के लिए NHPC का भी तो एग्जाम आजकल में है ही, तो उन सब एग्जाम्स के लिए मैंने रेलिवेंट चीजें करवाई हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए कंटेंट उसमें मैंने डिलीवर किया है. आप उनको क्लासेस को जाइए, सर्च करिए और कमेंट सेक्शन बॉक्स में वहाँ पर जरूर बताइए कि इस तरह की आपको नेक्स्ट टाइम रिक्वायरमेंट रहेगी इन तरह के सब्जेक्ट्स को या और तरह के सब्जेक्ट्स जो आपको करने हैं ऑनलाइन यूट्यूब पे. ठीक है जी,
YouTube प्लेटफॉर्म पे। तो अभी YouTube पे ये क्लास लाइव चल रही है, तो मुझे एक बार जल्दी से कंफर्मेशन दें, जो ये मैं आपको जो कंटेंट करा रहा हूँ, इस पूरे कंटेंट के दौरान आपको ऑडियो वीडियो में कोई दिक्कत हो रही है, स्क्रीन के रिगार्डिंग कोई दिक्कत तो नहीं है? क्योंकि आने वाले फ्यूचर में, अभी मैं जैसे जैसे ऑनगोइंग टाइम हमारा बढ़ता रहेगा, तो HPPC के लिए मैं बहुत सारी इनिशिएटिव लेके आऊंगा आप लोगों के लिए। बस बात यही रहेगी कि हाउ सीरियस यू आर रेडी फॉर द गवर्नमेंट एग्जाम्स, कि आपने लेनी है कि नहीं लेनी है, और कितना आप हार्ड वर्क कर सकते हैं मेरे साथ। मैं डायरेक्ट बोलता हूँ, स्मार्ट वर्क कुछ नहीं होता, हार्ड वर्क करिए और आपको सिलेक्शन जरूर मिलने वाली है, ठीक है? चलिए, फॉर्म फैक्टर और पीक फैक्टर। तो डियर स्टूडेंट्स, फॉर्म फैक्टर क्या होता है और पीक फैक्टर क्या होता है, ये आपको मैं बता दूं। देखिए, FF और PF, डियर स्टूडेंट्स, फॉर्म फैक्टर को हम ऐसे लिखते हैं, जो भी आपकी RMS वैल्यू है और जो भी आपकी एवरेज वैल्यू है, उनका रेशियो। और जो पीक फैक्टर को क्रेस्ट फैक्टर भी बोलते हैं, यहां पर पीक वैल्यू जो दे रखी है उसको RMS वैल्यू से आप डिवाइड कर देंगे, ये पीक फैक्टर या क्रेस्ट फैक्टर आपका जाए, क्या जाएगा? क्रेस्ट फैक्टर। सो डियर स्टूडेंट, जैसे कि अभी मैं 2 मिनट पहले बताया आपको, क्वेश्चन में क्या कहा है इसने कि किन, ये मैंने क्लास में करवाया था लास्ट टाइम, कि भाई फॉर्म फैक्टर पीक फैक्टर के इक्वल कब आता है, जब आपकी RMS वैल्यू, एवरेज वैल्यू और ये सारी वैल्यू सेम हो जाए। डीसी सिग्नल अगर होगा ना डियर स्टूडेंट्स, तो डीसी के केस में फॉर्म फैक्टर और पीक फैक्टर बराबर आएंगे। क्यों भाई? अब RMS बटे एवरेज करो या VM बटे एवरेज करो, सबको सेम हो जाना है और कट के 1 आएगा। क्या आएगा? 1। सो एक और वेव फॉर्म होता है जिसमें RMS वैल्यू और एवरेज वैल्यू सेम होता है, जब क्लास में मैं कराऊंगा आपको, या मैंने प्रीवियस ईयर क्लासेस में करवाया आपको, कि स्क्वायर वेव की RMS वैल्यू और एवरेज वैल्यू सेम है। आप बताएंगे मुझे RMS और एवरेज वैल्यू एक स्क्वायर वेव का क्या होता है, और मैं आपको बता दूं सेम होता है। और जब ऊपर नीचे RMS, ये वैल्यू भी सेम हो गई, ये वैल्यू भी सेम हो गई, तो आंसर सेम आएगा। तो फॉर्म फैक्टर और पीक फैक्टर सेम होते हैं जब आपकी स्क्वायर वेव हो या डीसी वैल्यू हो। ये नहीं हो सकता, ट्राइंगुलर नहीं हो सकता, साइनसोइडल नहीं होगा, सॉटूथ नहीं होगा। समझ में आया भाई? सो इस आज के सेशन में मैंने आपको बिल्कुल साफ साफ बात की है, ड्रीम अगर गवर्नमेंट जॉब का है, सो यू हैव टू डू द वर्क हार्ड। आपको वर्क हार्ड करना पड़ेगा, आपको क्लास लगानी पड़ेगी, आपको ज्यादा से ज्यादा अपनी अवेयरनेस बढ़ानी पड़ेगी। और ये सबसे बेस्ट तरीका अभी हमारे हाथ लगा है इस लॉकडाउन पीरियड के दौरान, आप एक स्मार्टफोन के जरिए भी कनेक्ट हो सकते हैं, अपनी अवेयरनेस बढ़ा सकते हैं। आप समझ रहे हैं, आप इस तरह के सेशन अटेंड कर सकते हैं जो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाले हैं, जो बहुत ज्यादा टाइम आपका सेव कर देंगे, ठीक है जी? नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने कल बताया था आपको कि किस फ्रीक्वेंसी, आई थिंक कितने लोग इस क्वेश्चन को कर पाए मुझे जरूर बताएंगे। इसमें 1/2π√LC वाला फॉर्मूला लगने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, इंडक्टर की वैल्यू दे रखी है, कैपेसिटर की वैल्यू दे रखी है, और आप फॉर्मूला लगाएंगे 1/2π√LC। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं चाहूंगा कि नेक्स्ट टाइम आप इस क्वेश्चन को सोल्व करके दिखाएं, क्वेश्चन नंबर 37 को। डियर स्टूडेंट, 38 क्वेश्चन में, 38 क्वेश्चन पे अब आ रहे हैं हम। 38 क्वेश्चन में एक सर्किट में बैंडविड्थ चाहिए आपको, और उसको डिजाइन करना है विच ऑफ द फॉलोइंग। हाँ जी, बैंडविड्थ चाहिए हमें वाइड, हाई बैंडविड्थ चाहिए, तो उसका क्वालिटी फैक्टर क्या होने वाला है? तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, एक फॉर्मूला मैंने आपको रेजोनेंस में ये करवाया था, क्वालिटी फैक्टर होता है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाई बैंडविड्थ। सो डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ऐसा जनरली देखने को मिलता है कि इस तरह का क्वेश्चन के बिना कोई एग्जाम बनता नहीं है। अगर आपको बैंडविड्थ लार्ज चाहिए तो क्वालिटी फैक्टर डियर स्टूडेंट्स आपको लो ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल नेचर में है। किस नेचर में है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल नेचर में है। तो इसी हिसाब से यहाँ पर आंसर आ जाएगा लो क्यू फैक्टर, लो क्यू फैक्टर। आर यू गॉट, हाँ जी, आर यू गॉट माई पॉइंट्स? आर यू फॉलोइंग मी? किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम? ओके, नाउ स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि अगर इसी फॉर्मूले पे देख क्या कर रखा है पेपर में, पेपर में करा गया सेम फॉर्मूले को लेकर, कई बार थ्योरेटिकल क्वेश्चन, कई बार न्यूमेरिकल क्वेश्चन, अब न्यूमेरिकल दे दिया इसी फॉर्मूले पे। क्वालिटी फैक्टर इज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ। देखिए आप क्या क्या अपनी निकाल सकते हैं यहाँ पे, हमें क्वालिटी फैक्टर निकालना है। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज है और बैंडविड्थ 5 हर्ट्ज है, तो कट जाएगा, 2 आंसर आ जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बता दूं डियर स्टूडेंट्स, ये जो जो ये जो लेक्चर सीरीज चल रही है,
इसी के दौरान मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूँ। डियर स्टूडेंट्स, क्या आरएमएस वैल्यू मैं ये बता रहा हूँ, क्या ये इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है? अभी जो ये टॉपिक मैंने आपको बताया, जो टॉपिक मैं 41 नंबर पे क्वेश्चन कर रहा हूँ, ये रेजोनेंस क्वेश्चन है। क्या है? रेजोनेंस। तो आई थिंक डियर स्टूडेंट्स, अगर आप थोड़ा सा कंसंट्रेशन से, ध्यान से मेरी बात सुन रहे होंगे, तो आपको आई थिंक टॉपिक पता चल तो रहा है। अगर मैं टॉपिक टॉपिक कराऊंगा तो मे बी आपका ये डाउट होगा, टॉपिक ही बता दिए, कुछ कराया तो है ही नहीं। तो टॉपिक भी बताऊंगा भाई, आपने इस बात की पैनिक नहीं लेना है। और साथ साथ आप ये देखते रहे किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ से। तो अब तक तो मैं यही एनालिसिस कर पाया हूँ, आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर, जिसमें रेजोनेंस एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहाँ से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन मिल रहे हैं। इतना इलेक्ट्रिकल, इतना वास्ट सिलेबस है भाई, एक टाइम पे एक सेशन में मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा कि आपको मैं सारा डिटेल में बता दूं, आपको रेगुलर आना पड़ेगा। ठीक है जी, फिर भी मैं आज जितने मैंने अब तक आपको टॉपिक कराए उसमें मैंने आपको बता दिया, मैं बताता जा रहा हूँ, नोट करते रहे। नंबर वन आप रेजोनेंस वाला टॉपिक नोट कर लें, नंबर टू आप आरएमएस एवरेज वैल्यू, एसी फंडामेंटल के नाम से आप एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू, फॉर्म फैक्टर, पी फैक्टर अच्छे से पढ़ लें। ठीक है जी, एक स्टूडेंट्स मैं चाहूंगा आप इस क्वेश्चन का आंसर करें, 39 और 40 क्वेश्चन का, आरएमएस वैल्यू और के बिना ये पेपर बनेगा ही नहीं, आरएमएस वैल्यू एवरेज वैल्यू के क्वेश्चंस के बिना। तो डियर स्टूडेंट्स मैं बता दूं आपको, जब हम रेजिस्टेंस रेजोनेंस कैलकुलेट करते हैं या आरएलसी सीरीज सर्किट करते हैं, तो हम बात करते हैं एक्स की, एक्स एल की करते हैं, एक्सी की करते हैं। और डियर स्टूडेंट्स जब हम पैरेलल आरएलसी सर्किट की बात करते हैं, तो हम बात करते हैं 1/XL, 1/XC। तो ये आपकी ससेप्टेंस होती है। तो जब 1/X ससेप्टेंस होती है, तो ससेप्टेंस ही पूछा हुआ है, तो आंसर हो जाएगा 1/X, 1/X। चलिए हाँ जी, थैंक यू, ओके जी। तो डियर स्टूडेंट्स बस यही मेरी आपसे पोलाइटली रिक्वेस्ट है, बस कनेक्टेड रहें, और किसी भी तरह का अगर डाउट है तो आप डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर अपना कॉल भी कर सकते हैं कंसर्न नंबर पर, और या कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट्स डाल सकते हैं। ठीक है, हाँ जी, 40 क्वेश्चन का आंसर आप करके दिखाएं मुझे, क्वेश्चन नंबर 40। ये क्वेश्चन का आंसर मैं चाहूंगा आप लोग करें, सॉल्यूशन आप कैसे करेंगे, 3 + 4 cos 3t। तो जल्दी से बता देता हूँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कराने के लिए। ऐसा कोई एग्जाम होता नहीं है जहां पर इस एग्जाम की रिलेवेंस, इस एग्जाम के क्वेश्चन की रिलेवेंस ना बनती हो। तो देखिए क्या ये क्वेश्चन होगा, 3 + 4 cos 3t। इस क्वेश्चन की आरएमएस वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है। देखिए इस क्वेश्चन में डियर स्टूडेंट्स डीसी वैल्यू भी दे रखी है और एसी वैल्यू भी दे रखी है, डीसी वैल्यू भी दे रखी है और एसी वैल्यू भी। इस केस में आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करनी है। एक्चुअल में एसएससी इसको इस तरह से पूछता है, अफेक्टिव वैल्यू, आरएमएस की जगह क्या लिखा होता है, अफेक्टिव वैल्यू लिखा होता है। व्हाट इज द अफेक्टिव वैल्यू ऑफ दिस सिग्नल, इस सिग्नल को कहेंगे हार्मोनिक्स। इसमें है हार्मोनिक्स का मतलब दो तरह के सिग्नल इसमें प्रेजेंट है, डीसी भी प्रेजेंट है और एसी भी प्रेजेंट है। इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, देखिए डीसी के केस में जो भी आपको डीसी वैल्यू दे रखी है वही आरएमएस वैल्यू होती है। तो आप क्या करेंगे, देखो फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ। हार्मोनिक्स, जब हार्मोनिक्स दे रखे हूँ तब पहले सिग्नल का आरएमएस ले लें, उसका स्क्वायर कर लें, उसके बाद दूसरे सिग्नल का आरएमएस ले लें, उसका स्क्वायर कर लें, और जितने भी सिग्नल दे रखे हैं उनका सब स्क्वायर रूट कर दें, आपको टोटल आरएमएस वैल्यू आ जाएगी। तो जल्दी से सोल्व करें, 3 का स्क्वायर + 4 बाई, क्योंकि इसका आरएमएस ये तो ऑलरेडी है ही आरएमएस, इसका आरएमएस क्या करेंगे, 3 तो एक डीसी वैल्यू है ना, कॉन्स्टेंट वैल्यू दे रखी है, 4 / √2 का स्क्वायर, और यहां हो जाएगा ये 9, और 16 / 2 ये 8 हो जाएगा, तो ये 17 √17 आएगा। क्या आएगा, √17। सो लेट अस चेक द आंसर, √17 इज द आंसर। सो डियर स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन का आंसर निकाला ही नहीं था इस वजह से, क्योंकि हार्मोनिक्स वाला जनरली स्टूडेंट्स करते ही नहीं है। तो बताया मैंने आपको, पहले सिग्नल का आरएमएस निकाल लो, दूसरे सिग्नल का आरएमएस निकाल लो, और ऊपर ओवरऑल स्क्वायर रूट कर दो, आरएमएस निकाल के स्क्वायर करके सारे सिग्नल्स को, यू विल गेट द ओवरऑल आरएमएस या फिर अफेक्टिव आरएमएस वैल्यू, अफेक्टिव आरएमएस वैल्यू। डियर स्टूडेंट्स ये 41 क्वेश्चन मैंने कर दिया। तो डियर स्टूडेंट्स ये पूरा ये सेशन कंप्लीट हो गया इलेक्ट्रिकल का, जिसमें आपको मैंने बेसिक इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चंस कराए, आपको ग्राफ थ्योरी के क्वेश्चन आ रखे हैं, थ्योरम से क्वेश्चन आए। ठीक है जी, थेवनिन का क्वेश्चन है, यू कैन ट्राई दिस क्वेश्चन थेवनिन, ओके। और कुछ क्वेश्चन लेंथी हैं, आरएलसी पैरेलल का क्वेश्चन है, जिसमें आपको मैंने कल बताया था इस क्वेश्चन में आपका फेजर सम यूज होगा बिना फेजर सम के, और आई थिंक आंसर इसका निकाला था हमने 0 एम्पियर। ठीक है जी, तो ये सब चीजें
ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये आने वाला जो क्वेश्चन नंबर 21 है, ये आने वाले किसी भी इस साल एग्जाम में ये एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, जहां पर नेटवर्क के अंदर रजिस्टर्स की वैल्यू डबल कर दी जाती है, तो ओवरऑल वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर्स पे क्या फर्क पड़ेगा, नोट चेंज आप उसका आंसर लिखेंगे, ठीक है जी, नोट चेंज। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया इसमें, इस पेपर का, ठीक है जी। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट सेशन में फिर से मिलते हैं, ठीक है। जब तक आप डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर अगर कोई आपको डाउट है तो वहां से आप कॉल कर सकते हैं, या फिर सब्सक्राइब करके इस चैनल को नोटिफिकेशन अपना अपडेट रखें, ताकि मैं इमीडिएटली आप लोगों को अपडेशन देता रहूं इस तरह के एग्जाम्स की, ठीक है जी, अपडेशन देता रहूं, और ये जो ड्रीम हमने लिया है गवर्नमेंट जॉब लेने का इस साल, वो हम कंप्लीट करने में अपनी मैं आपकी हेल्प कर सकूं, और आप अपनी एक मदद कर सकें, आप हेल्प आप अपनी आपकी कर सकें, ठीक है। करियर आपका बिल्डअप हो जाएगा जब आप एक प्रॉपर वे में सेटलमेंट आपके गवर्नमेंट जॉब में हो जाएगी, ठीक है जी। तो डियर स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट आपके इस कमिंग एग्जाम्स के लिए, जो एग्जाम होने वाला है, प्रिपरेशन करते रहिए, ठीक है जी। जो भी प्रॉब्लम है, जो भी रिक्वायरमेंट है, हमें बताते रहिए। थैंक यू वेरी मच।